कुशल मॉर्निंग सुबह सुबह आप एक्सक्लूसिव रिसर्च लेकर आ गए हैं तो जरा बताइए किस सेक्टर से जुड़ी हुई है और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो इम्पैक्टेड होंगे बिल्कुल नया गुड मॉर्निंग सबसे पहले तो आपको यहाँ पर घरेलू सोडा एश कंपनियां जो हैं उनको लेकर जो है आगे चलकर प्राइस डेवलपमेंट जो चीन में होते हुए दिख रहे हैं इनको बड़ा फायदा हो सकता है रीजन बिंग पर 10 नवंबर को भी हमने आपको पहले आ, लिंक कर कर बताया था कि सोडा की कीमतें किस तरह से चीन में लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है वहां पर जो प्लांट्स की दिक्कतें हुई थी उसके बाद जो उत्पादन कटौती होती हुई नजर आई जो उन सूत्रों के हवाले से बताते हुए नजर आ रहे हैं उसके बाद लगातार यहां पर बढ़त है नौ नवंबर को जो प्राइस था और उसके बाद कल के दिन में जो प्राइस था उसमें आप कंपैरिजन करेंगे तो लगभग 42 परसेंट की ग्रोथ यहां पर आती हुई दिख चुकी है तो प्राइसेस में ऑलमोस्ट 42 परसेंट की बढ़त आपको देखने को मिल चुकी है और दिसंबर में अब तक सोडाइश की कीमतों में चीन में 12 परसेंट का उछाल आपको ऑलरेडी देखने को मिल गया है कल जो है टू सेवन फाइव टू एनबीबी पर टन ये कंपनी ये प्राइस आती हुई दिख रही थी चीन में उन्नीस सौ पर टन ये नौ नवंबर को प्राइस था तो जाहिर सी बात है कि यहां पर बड़ा इंपैक्ट आपको जो चीन में सोडाइश कीमतें

तरह का बढ़ता हुआ ट्रेंड है घरेलू सोडा एश कंपनियों को बड़ा फायदा आगे चलकर मिल सकता है हम्म तो इस एक्सक्लूसिव रिसर्च पर हमारी नजर रहेगी और घरेलू सोडा एश कंपनियों को यहाँ फायदे की बात है टाटा केमिकल्स और डीसीडब्ल्यू कुछ चुनिंदा नाम है जो आज सुर्खियों में रहने वाले धन्यवाद कुशल आपका उस एक्सक्लूसिव रिसर्च को दर्शकों के सामने रखने के लिए